good morning dear children yesterday we have done thales theorem and the converse of thales theorem that is basic proportionality theorem or this theorem statement if a line is parallel to any one side of triangle intersecting the other two sides at two distinct points then the points divide the sides in the same ratio clear तो उसी का एप्लीकेशन इस एक्सरसाइज़ में है सिक्स पॉइंट टू में मैंने आपसे कहा था कि आप इसके क्वेश्चन नंबर वन और टू को ट्राई कर लीजिएगा बिकॉज ये उसी के ऊपर बेस्ड है तो अगर आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इसको देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर वन में आपको फिगर्स दी हुई हैं इस फिगर में वन और टू जो फिगर आपको दी हुई है डी ई ये जो लाइन डी ई है ये किसके पैरल है बी सी के क्लियर एंड ई सी फाइंड ई सी आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है बेटा ई सी की लेंथ एंड ए डी और सेकेंड फिगर में आपको ए डी की लेंथ ढूंढनी है कि वॉट इज़ द लेंथ ऑफ ए डी तो आपको जो फाइंड आउट करना है उसको आपने एक्स ले लिया है और आपको ये दे रखा है कि जो डी ई है ये बी सी के पैरेलल है तो हम थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे कि अगर एक लाइन जो है किसी ट्राइंगल की वन साइड के पैरेलल होती है और दो अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो वो पॉइंट जो हैं वो साइड्स को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे इसका रेशियो ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ए ई अपॉन ई सी के बराबर हो जाएगा क्लियर इनको हम कंपेयर करेंगे यहाँ से ई सी की वैल्यू मिल जाएगी सिमिलरली इसमें ए डी को हम एक्स ले लेंगे और वही थेल्स थ्योरम का यूज़ करके इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाएंगे जो अन नोन क्वान्टिटी है वो निकल के आएगी क्लियर इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू में आपको दे रखे हैं ये लेंथ ऑफ द साइड्स दे रखी हैं ठीक है और आपको बताना है कि क्या ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड है इसमें ये था कि अगर एक लाइन जो है वो किसी आ, ट्राइंगल के आ, दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन जो होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पॉइंट्स ई e और एफ हैं ठीक है ऑफ़ ट्राइंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अब आपको स्टेट करना है कि क्या ये पैरल है तो आपने इसमें रेशियो चेक करना है रेशियो अगर इक्वल आ गया तो लाइन्स क्या हो जाएंगी बेटा पैरल हो जाएंगी तो पी ई -E आपको दिया हुआ है ई क्यू दिया हुआ है पी एफ दिया है एफ आर दिया, दिया है तो आप इसको उसमें पुट कर लेंगे कि देखिए पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर तो वहाँ से जो आपके पास अगर रेशियो इक्वल आ रहा है देखिए पहले वाले केस में रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है क्लियर पहले एक साइड का आ रहा है वन पॉइंट थ्रू दूसरे का आ रहा है वन पॉइंट फाइव तो ये लाइंस जो होंगी रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होंगी क्लियर इसी तरह सेकंड वाला केस देखिए इसमें भी दे रखी है आपको लेंथ तो इसमें दोनों का रेशियो एट अपॉन नाइन आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का तो इसलिए ये लाइन्स क्या हो जाएंगी पैरेलल इस कंडीशन फुलफिल हो जाएगी थर्ड पार्ट भी ऐसी है इसमें देखिए आप क्या आ रहा है दोनों का रेशियो नाइन अपॉन सिक्सटी फोर आ रहा है इस ट्राइंगल में ठीक है तो इसमें भी क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दिस लाइन इज़ पैरल टू दिस क्लियर बेटा अब क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको क्या दिया हुआ है कि एल एम इज़ पैरल टू सी डी देखिए जो एल एम लाइन है ठीक है ये एल एम जो है ऊपर वाले ट्राइंगल में ये किसके पैरल है सी बी के दो ट्राइंगल बने हुए हैं इसमें तो एल एम सी बी के पैरल है और नीचे वाले ट्राइंगल में एल एन किसके पैरल है सी डी के पैरल है ठीक है तो आपको प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन ए बी ए एम अपॉन ए बी का रेशियो ए एन अपॉन ए डी के बराबर है ठीक है ये देखिए ध्यान से तो आप इसमें क्या करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम आप देखेंगे कि एम अपॉन ए बी ए एम अपॉन ए बी टू ए एन अपॉन ए सी ठीक है तो अब आप देखिए ए एल अपॉन ए सी पहले हम ऊपर वाला ट्राइंग कर लेंगे तो ए क्योंकि ये लाइन पैरेलल दी थी ना तो हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी इजिकल टू ए एल अपॉन ए सी ठीक है ये इक्वेशन वन होगी इसी तरह सेकेंड ट्राइंगल में हम ले सकते हैं ए एन अपॉन एन डी ए एन अपॉन ए डी इजिकल टू ए एल अपॉन ए सी क्लियर तो दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे तो दोनों से हम देखेंगे कि आप देखिए ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू दोनों तरफ आर एच एस में आ रही है और वो ए एम अपॉन तो जब राइट हैंड साइड्स दोनों इक्वेशंस की इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्लियर अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्या दिया हुआ है कि जो डी ई लाइन है वो किसके पैरेलल है ए सी के देखिए डी इज़ पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ और डी एफ किसके पैरेलल है बेटा ए ई के तो प्रूफ करिए कि बी एफ अपन एफ ई इजिकल टू बी ई अपॉन ई सी क्लियर तो आप इसको देखिए ध्यान से कैसे किया है इसने कि पहले वाले ट्राइंगल में देखिए डी इज़ पैरेलल टू ए सी तो हम थेल्स थ्योरम यूज़ कर लेंगे तो बी डी अपॉन डी ए बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी इसी तरह से इन ट्राइंगल ए बी सी अब ए बी सी ट्राइंगल में देख लीजिए ठीक है डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई डी एफ किसके पैरेलल है ए ई के ठीक है बेटा ये वाला जो है वो इसके पैरेलल है तो यहाँ पर भी धीरे थ्योरम यूज़ हो जाएगी और दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखेंगे तो दोनों में आप देखिए कि बी एफ अपॉन एफ ई जो है वो किसके बराबर है बी ई अपॉन ई सी यहाँ पर बी एफ अपॉन अभी बी बी डी अपॉन डी ए के बराबर है तो दोनों की वैल्यू बी एफ अपॉन एफ ई के बराबर है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में क्लियर तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव भी है ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है ठीक है थेल्स थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है तो इसको आप ध्यान से अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे इसके बेटा कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स भी देखिए यहाँ पर मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चंस किस पे बेस्ड हैं थेल्स थ्योरम पे या उसके कन्वर्स थ्योरम पे ठीक है जो हमने कल किया था तो इन क्वेश्चंस को बेटा आप अपनी नोटबुक में आज कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक है और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे उनको हम फिर डिस्कस कर लेंगे आप शेयर करिएगा क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर टेन ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स के ऊपर बेस्ड हैं ठीक है बेटा थैंक यू एंड अ नाइस डे